5 साल में 5 लाख रुपए, तो काफी लोगों को रोजगार मिल गया। 30,000 को तो हम सरकार में दे रहे हैं। जो चिट्टा है उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, आशा के साथ कि भवानी जी जो भी योजनाएं लेकर आए हैं और हमारी सरकार में बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें पोंग डैम का जो एरिया है जिसको हमने पर्यटक की दृष्टि से बढ़ाना है, उस दृष्टिकोण से हमने उस एरिया को कुछ कम किया है। और आने वाले समय में आप इस क्षेत्र में देखेंगे, फतेहपुर क्षेत्र में, इसके लिए अभी मेरी जब इनसे बातचीत हुई तो हमने 70 करोड़ रुपये पर्यटन के क्षेत्र में खर्च करने के लिए यहाँ हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें यार्ट है, हॉट बैलून है। इस तरह से लोगों को और युवाओं को कैसे रोजगार मिले, इनसे मेरी विस्तृत चर्चा इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के संदर्भ में हुई है। और जल्दी आप आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ पर्यटन के रूप में नई उम्मीदें और नया उमंग के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सर, खनन माफिया और नशे को किस तरह से मुक्त जो है इस क्षेत्र से किया जाएगा? देखिए, नशे के खिलाफ तो हमारा अभियान सख्त चला हुआ है, हर जगह छापामारी हो रही है, हर जगह शराब पकड़ी जा रही है, नकली शराब को पकड़े। पिछले दिनों ही 30,000 लीटर ऊना में पकड़ेगी, नूरपुर में पकड़ेगी, कुल्लू में एक बड़ा भारी 450 पेटी का डंप पकड़ा गया। जो चिट्टा है उसके खिलाफ भी हमारी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा कि हर जगह छापामारी हो रही है, किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। सभी राजनेता, हमारे जो विधायक लोग हैं, वो इस बात से चिंतित कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जो नशे के दलदल में जिस प्रकार से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उससे हमारी लड़ाई शुरू हुई है। और इसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले दिनों नूरपुर में भी एक शराब का बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया। और आपने पिछले कल ही देखा होगा, नूरपुर ऊना में तकरीबन 30,000 लीटर शराब का जखीरा पकड़ा गया, 450 पेटियाँ हमारी कुल्लू में पकड़ी गई। तो ये जो एक शराब माफिया और खनन माफिया जो भी कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और खनन से जो हमारी चोरी हो रही है उसको रोकने की दृष्टिकोण भी हम जल्दी खनन की एक नीति लेकर आ रहे हैं, ताकि आय के साधन भी बढ़े और किस प्रकार से इस चोरी को रोके, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। पार्टी ने 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, 7 महीने से अधिक समय हो चुका है, रोजगार को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देना शुरू कर दिया है। रोजगार का मतलब है रोजगार। और आपने अच्छा सवाल किया कि 5 साल में 5 लाख रुपए, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल गया। 30,000 को तो हम सरकार में दे रहे हैं, तो आए दिन तो रोजगार है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में आएगा रोजगार आएगा, चाहे और भी कई पॉलिसीज़ है उसमें। अभी 5-7 नहीं हुए, अभी 5 महीने आज पूरे हुए, तो थोड़ा सा नीतियों में बदलाव आ रहा है और हम व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन नीतियों में बदलाव आ चुका। कभी सोचा था पोंग डैम पर्यटक की दृष्टि से आगे आएगा? आज नई युवा पीढ़ी आया, नए युवा जोश आए, नई सोच के साथ आए। कभी सोचा था किसने कि वाइल्ड लाइफ का जो पोंग का डैम है उस एरिया को कम कर दिया जाएगा, जहां आपकी कश्ती तक नहीं चलने दी जाती थी? इनसे चर्चा हुई हमारे लोकल विधायक भवानी पठानी जी, उसके बाद चर्चा होने के बाद हमने उसमें भारत सरकार से ये बात उठाई है। और मैं और भी बताना चाहता हूँ, पिछले कल मैं पर्यावरण मंत्री से मिला तो खुदरो दत्तांत की बात को हमने रखा है कि जो मलकियत जमीन है उसमें जो पेड़ लगते हैं उस पेड़ काटने का अधिकार हमारे जो निचले हिमाचल है इस क्षेत्र में, कांगड़ा हमीरपुर में उनकी मलकियत पर भी, उसका अपना पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। मैंने उस बात को रखा और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितने इफेक्टिवली हमारे डिसीजन हो रहे हैं। और आने वाले समय में खुदरो दत्तांत के तहत मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हमने पर्यावरण मिनिस्टर भूपिंदर यादव जी के पास बात रखी है, खुदरो दत्तांत की बात को गौर करेंगे और हमारे ज़मीन पर जो वन उगे हैं हमें उसका काटने का अधिकार देंगे। इस दृष्टिकोण से मेरे कांगड़ा के सभी विधायकों से और हमीरपुर के सभी विधायकों से, ऊना के सभी विधायकों से भी बात हुई है खुदरो दत्तांत को लेकर, और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो हम काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करुणामूल के तहत कुछ विभाग नियुक्तियाँ नहीं दे पा रहे हैं, इस पर नहीं, करुणामूल के लिए हम नीति बना रहे हैं। और दो चीज़ें हैं करुणामूल में, जो विभाग की तरफ से अधिकारियों की तरफ से हमारे पास प्रेजेंटेशन की गई है, उसमें कहा गया कि एक तो पेंशन मिलती है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो जो पेंशन मिलती है एक परिवार में तो उसको नौकरी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हम सोच रहे हैं कि पेंशन 2.5 लाख की जो क्राइटेरिया उसको कैसे करना है, और करुणामूलक के लिए भी हम नीति बना के लाएंगे। काफ़ी समस्याएं हैं, पिछले 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जिसमें परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीब की सरकार है,
और लोगों के हित की सरकार है, इस दृष्टि से हमारी सरकार अंतिम सवाल रहेगा, युवा खड़े हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट है हमीरपुर बोर्ड के कब तक निकाल दिए? वो निकालने के ऑर्डर कर दिए गए, किसी भी समय निकल सकते सर। सड़कों का उद्घाटन मतलब उसमें आपका रिजल्ट निकले हैं, जो हमारे युवा जिन्होंने सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में एग्जाम दिया है उनका मैंने कोई 15-20 दिन पहले और कल भी मैंने रिव्यू लिया, तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग उसका सर्वे करके उसके रिजल्ट निकालने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और जल्दी आप देखेंगे कि रिजल्ट निकलेंगे सर।